परमात्मा मसीह के प्रतिज्ञा करे करत हैं। जब परमात्मा संसार के सृष्टि करीन उ जानत रहे हैं कि उन्हीं बाद में कोनो दिन मसीह का भ्याजा का हुई उ आदम और हव्वा से प्रतिज्ञा करीन कि उ ऐसा करही उ कहिन कि हव्वा से एक ठी वंश पैदा ले जौन सांप के मुंडी का कुचरी जौन सांप हव्वा का धोखा दईस व सही में शैतान रहो हा। परमात्मा के अर्थ रहो हा कि मसीह पूरा पूरा शैतान का हरा दई हूँ। परमात्मा अब्राहम से प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि ओखे द्वारा संसार के सब जाति आशीष पई हूँ। परमात्मा बाद में कौनो समय में मसीह का भेजा के द्वारा या प्रतिज्ञा का पूरा करही उ मसीह संसार के हर एक जाति में से मनैन का उनके पापन से छुड़ेही। परमात्मा मूसा से प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि भविष्य में वह मूसा के समान एक थे दूसर भविष्यवक्ता भेजी या भविष्यवक्ता मसीह हुई ही। ऐसे ही परमात्मा फिर से प्रतिज्ञा करीन कि वह मसीह का भेजी। परमात्मा राजा दाऊद से प्रतिज्ञा करीन कि वाखर एक थे वंश मसीह हुई ही वह राजा हुई ही और परमात्मा के मनैन पर सदा के लाने शासन करी। परमात्मा यिर्मयाह भविष्यवक्ता से बात करीन और कहीन कि एक दिन ऊ एक थे नई वाचा बंधी वह नई वाचा इसराइल के साथ सीने पर्वत में बांधे गए पुराना वाचा के जैसा न हुई। जब मनैन के साथ ऊ अपन नई वाचा बंधी तो ऊ उनके ऊपर अपने आप का व्यक्तिगत रूप से प्रकट करही सबको उन्हीं प्रेम करही और उनकर व्यवस्था के पालन करे के इच्छा रखी। परमात्मा कहिन या उनके व्यवस्था का उनके हृदय में लिख दे के जैसा हुई उनखर मनई हो ही और परमात्मा उनके पापन का क्षमा करही उ मसीह हो ही जौन उनके साथ व नई वाचा का बंधी। परमात्मा के भविष्यवक्ता यह भी कहिन कि मसीह एक थे भविष्यवक्ता हो ही एक थे भविष्यवक्ता व मनई आए जौन परमात्मा के वचन का सुने करत था और फिर मनैन के ऊपर परमात्मा के संदेश के ऐलान करे करत था। जही भेजा के लाने परमात्मा प्रतिज्ञा करिन व मसीह एक थे सिद्ध भविष्यवक्ता हो ही मतलब व मसीह परमात्मा के संदेशन का अच्छे से सुने ही उ मनैन का व संदेश अच्छे से सीखही। इसराइली याजक मनई के लाने परमात्मा के आगे बलिदान चढ़ामा का चला देन यह बलिदान मनैन के पाप के लाने उन्हीं परमात्मा द्वारा दंडित करे जाए के जगह में चढ़ाव गरव है जन परमात्मा के सामने एक सिद्ध बलि के रूप में खुद का चढ़ा दई हूँ और ऊँ कभू पाप न करही। जब ऊँ खुद का बलि होए के लाने दही तो संसार का कोनो भी दूसर बलि के जरूरत न रही। मनई के झुंड में राजा और प्रधान शासन करत रहे हैं और कभू कभू ऊँ गलती भी करत रहे हैं। राजा दाऊद सिर्फ इसराइलिन पर शासन करी पर राजा दाऊद के वंश मसीह पूरा संसार में शासन करी और ऊ सदा के लाने शासन करी। एक अलावा ऊ हमेशा न्यायपूर्ण रीति से शासन करी। परमात्मा के भविष्यवक्तन मसीह के बारे में बहुत से बातन का कहिन उदाहरण के लाने मलाकी कहिस कि मसीह के आय से पहले एक थी भविष्यवक्ता आई वह भविष्यवक्ता बहुत महत्वपूर्ण हुई। एक अलावा यशायाह भविष्यवक्ता लिखिस कि मसीह एक थे कुंवारी से जन्म लई ही और मीका भविष्यवक्ता कहिस कि मसीह बैतलहम नगर में जन्म लई ही। यशायाह भविष्यवक्ता कहिस कि मसीह गलील क्षेत्र में वास करही जौन मनई बहुत दुखी हैं मसीह उन्हें शांति दही उ कैदिन का भी स्वतंत्र करही मसीह बीमारन का और जौन सुन नहीं सकें देख नहीं सकें बोल नहीं सकें चल नहीं सकें उन्हें भी चंगा करही। यशायाह भविष्यवक्ता यह भी कहिस कि मने मसीह से नफरत करही और स्वीकार करे से मना कर दही। दूसर भविष्यवक्ता कहिन कि मसीह के एक थे साथी उनके खिलाफ उठी। जकरिया भविष्यवक्ता कहिस कि उनखर यह साथी ऐसा करे के लाने दूसर मने से चांदी के 30 सिक्का लई। एक अलावा कुछ भविष्यवक्ता कहिन कि मने मसीह का मार डलही और यह कि ऊ उनके कपड़ा के लाने जुआ खेलही। भविष्यवक्ता यह भी कहिन कि मसीह कैसे मरही। यशायाह भविष्यवक्ता कहिस कि मनई मसीह के ऊपर थूकी उनखर मजाक उड़ेही और उन्हीं पिटही उन्हीं भाला छेद दही और ऊ बड़ी पीड़ा मा और यातना मा मर जही जबकि ऊ कुछ गलत नहीं करे रहे होही।
भविष्यवक्ता यह भी बताइन कि मसीह पाप नहीं करही, उ सिद्ध हो ही, पर उ एखे लाने मरही कहसी के परमात्मा उन्हीं दूसर मनेन के पाप के कारण दंड दे ही, उनके मरे से मनई परमात्मा के साथ मेल करे में सक्षम हो ही। ऐसे परमात्मा चाहते कि मसीह मरा। भविष्यवक्ता यह भी बताइन कि परमात्मा मसीह का मरे में से जिंदा करही। यह दर्शाऊ था कि सब नई वाचा का बांधे के परमात्मा के योजना आए, ताकि उ वह मनैन का बचा सकें जौन उनके खिलाफ पाप करे रहे। परमात्मा भविष्यवक्तन के ऊपर मसीह के बारे में बहुत सारा बात प्रगट करे रहे हैं, पर मसीह उ भविष्यवक्तन में से कोनों के भी जीवन काल में नहीं आए रहे। ये भविष्यवाणी दे जाए के 400 से ज़्यादा साल के बाद सही में वह परमात्मा मसीह का यह संसार में भेजी। उत्पत्ति 3:15-12:1-3, व्यवस्था विवरण 18:15, दूसरा सैमुएल 7, यिर्मयाह 31, यशाया 59:16, दानियल 7, मलाकी 4:5, यशाया 7:14, मीका 5:2, यशाया 9:1-7, 35:3-5, 61:53, भजन संहिता 12:18, 35:19, 69:4, 41:9, जकरिया 11:12-13, यशाया 50:6, भजन संहिता 16:10-11 से बाइबल की एक कहानी।